आपके साथ में मोनिका। हम यहाँ मौजूद हैं चौड़ा रास्ता के तारकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, जहाँ पर बीजेपी महिलाएं जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। क्या वजह है, किस वजह से आज यहाँ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो हम पूरी प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं, और आज जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर हवन किया है, शांति हवन किया है, जिस प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रीट की परीक्षाओं की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे थे, बहुत भारतीय जनता पार्टी का सारा महिला मोर्चा, ये हमारी अध्यक्ष सबके नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन ये जो है कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पानी की बौछारें की, और जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने नीचे पटका, उनके पैर में चोट आई, गंभीर चोट आई है और ये चोट बहुत गहरी है, तो उनके हम स्वास्थ्य कामना के लिए, शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए, और इसके साथ ही कि वो जिस तरह से हमारा महाराणा प्रताप बन के नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो शीघ्र ठीक होकर फिर से जो ये रीट परीक्षा की सीबीआई मांग है, ये आंदोलन हमारा निरंतर चलता रहे, इसके लिए आज हम सब बहनें महिला मोर्चे की और हमारे जिला अध्यक्ष और सारे बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, आज यहाँ पर शांति पाठ किया है। मैम, जैसा कि आज आप सब यहाँ पर आए हैं, अब क्या आपने उम्मीद लगा रखी कि आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी सरकार को जगाने की विपक्ष के खिलाफ? हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और अभी जो प्रदर्शन था 13 तारीख का, तो हमारे भाई साहब सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष जी को इन्होंने मारने की कोशिश करी, इन्होंने जो धक्का लगाया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे भाई साहब बचेंगे नहीं, लेकिन जाको राकेश सैया मार सके ना कोई, हमारे भाई साहब बीजेपी में सच्चे और स्वच्छ लोग हैं, इनके करने से कुछ नहीं होगा, तो हमने महामृत्युंजय जाप किए हैं यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की लंबी उम्र की कामना के लिए, और आगे भी जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हम धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसा कि देखने को मिला था जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ विधानसभा घेराव किया था, और जिस तरीके का विपक्ष सरकार की तरफ से देखने को मिला था, आप उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष की भूमिका हमारी सरकार जो है बहुत अच्छे से निभा रही है, परंतु पुलिस की बर्बरता को देखते हुए जो उनको ऊपर से आदेश दिए जाते हैं उसको बहुत ही निंदनीय है, वो जो कृत्य है बहुत ही निंदनीय है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी पे इस तरह का हमला करना क्या सोची समझी चाल थी कांग्रेस सरकार की, या फिर वो एक अनहोनी थी जो हुई उनके साथ, जिसके लिए आज हम यहाँ पे महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं जी। आज अब सब यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके का हवन अभी किया गया है और क्या उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, आज सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया के स्वास्थ्य लाभ के लिए, जो कि कांग्रेस की बर्बरता के शिकार हुए। वीडियो साफ वायरल हो रहा था और उसमें दिखाया जा रहा था कि पुलिस वाले ने उनको धक्का दिया है, अभी अनहोनी है या धक्का है ये तो वो जाने कांग्रेस सरकार, लेकिन हम उनकी दीर्घायु की कामना के लिए आज हवन कर रहे हैं ताकि वे जल्दी स्वस्थ हों और फिर से सुचारू रूप से हम लोग अपना ये आंदोलन आगे ले जा सकें। आप यहाँ आए हैं, आपने किस तरीके से हवन में अपना योगदान दिया? मैं नवरत्न देवी छिपा सांगानेर से हूँ, जिला में शहर में मंत्री हूँ। ये जो है ना रिट की परीक्षा में घपला हुआ है ना, तो उसकी वजह से ना हम सीबीआई जांच, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच मांग रहे, तो सतीश पूनिया जी के है ना उस दिन है ना पुलिस बल के द्वारा पुलिसों ने ना ऐसे धक्का दिया जिससे भाई साहब के फ्रैक्चर हुआ, तो उनकी है ना लंबी दीर्घायु, क्या पता छोटी अनहोनी में ये टल गई हो, इसलिए उनकी दीर्घायु के लिए हमने ये हवन यज्ञ किया है। जैसे मोदी जी के भी हुआ था ना पंजाब जाते वक्त, उसी के तहत हम उनके ना दीर्घायु के लिए महिला मोर्चा और राघव शर्मा जी हमारे जिलाध्यक्ष ये सब मिल के हम यहाँ पे ये होम के लिए आए। मैम, आप क्या कहेंगे? मैम, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं उनकी दीर्घायु के लिए अंतरात्मा से हमने आज ये हवन किया है, और ईश्वर ने इनको बहुत लाख लाख बचाया है और आगे भी बचाता रहे। शिल्पी जी, आप यहाँ मौजूद हुई हैं आज इस हवन के अंदर, तो आपने क्या उम्मीद लगाई है हवन से, जो आज हवन किया गया? जो हम अभी रीट मामला हुआ था उसी के लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया था, तो उसमें सतीश पूनिया जी सर का धक्का मारने की कोशिश की और उनके क्षति पहुंची है शरीर को, तो उसी के अवसर पे कि भाई उनका स्वास्थ्य सही रहे और वो स्वस्थ रहे, इसी के उपलक्ष में हम यहाँ पे आज तारकेश्वर महादेव मंदिर में मृत्युंजय किया है, और उसी के लिए हम यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। हेमलता पारिक, महिला मोर्चा प्रदेश, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। आज
हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जो जेल भरो आंदोलन 15 तारीख को किया था उसमें सतीश जी पूनिया के पुलिस वालों ने धक्का मार के घायल कर दिया था और पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसी के उनके दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, इसलिए हमने यहाँ पर एक महामृत्युंजय जाप किया था सभी महिला मोर्चा की तरफ से और हमारे जिला अध्यक्ष श्री राघव जी शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारी महिला जिला अध्यक्ष अनुराधा जी महेश्वरी जी के नेतृत्व में सभी महिला मोर्चा और महिला कार्यकर्ताएं और सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी ने तन मन से महामृत्युंजय जाप किया है ताकि वो स्वस्थ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके और रीट की जो CBI जांच है वो गहलोत सरकार से करवा सके ताकि आगे हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक गहलोत सरकार CBI जांच पूरी नहीं कर दे, क्योंकि ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो गरीब परिवार से बच्चे हैं वो कैसे जैसे करके और परीक्षाएं दे रहे थे और उनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये हमने ये ठानी है BJP कार्यकर्ताओं ने कि CBI जांच करवा के रहेंगे, गहलोत सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे।